होना चाहिए। इस व्यक्ति ने गलती हो सकता है की हो, लेकिन उसका अपराध नहीं था कि आप उसे 20 वर्ष के लिए वनवास में जंगल में भेज दें। मैं आपसे और कहना चाहता हूं मित्रों, इतना कठोर परिश्रम करने की क्षमता आखिर किसमें होगी? पंडित मदन मोहन मालवीय महामना जिन्हें हम और आप कहते हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं जब अपने घर में होता हूं तब मैं एक सनातनी हूं, जब मैं चौखट के बाहर कदम रखता हूं तो मेरा धर्म हिंदू हो जाता है, जब मैं इस राष्ट्र पटल की ओर देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरा धर्म सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र धर्म है, लेकिन मैं जब संपूर्ण विश्व पटल की ओर देखता हूं तो मेरा धर्म सिर्फ और सिर्फ मानवता हो जाता है। ये सनातन के संस्कार हैं। लेकिन मित्रों, आज मुझे पीड़ा होती है कि जिस समरसता के भाव को जगाने वाली आज की युवा पीढ़ी, जिस अपने आंतरिक समाज से ऊपर नहीं उठ पाई, जिसने हरिजन एक्ट और रेप जैसे कांड को, इस विष्णु तिवारी को जिसने फंसा दिया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने अपने जहन में एक बार भी नहीं सोचा कि हम किस प्रकार की गलती कर रहे हैं? ठीक है, आप तो भूल गए थे, लेकिन वो प्रशासन जो गांधारी की तरह अपनी आंख पर पट्टी बांधकर संपूर्ण प्रशासन और राजनीतिक व्यवस्थाएं जो धृतराष्ट्र की तरह बैठी हुई थी, क्या उन्होंने भी विष्णु तिवारी की उस मासूमियत को नहीं देखा जिसने इन 20 वर्षों में अपने भाई, अपने बड़े दो भाइयों को, अपने माता और पिता को खो दिया, जिसके घर में आज सुबह रोटी खाने के लिए तो है लेकिन शाम के लिए उसके पास दो रोटी का इंतजाम नहीं है, इसकी भरपाई कौन करेगा? जिन 20 वर्षों में उसे अपने माता पिता को कंधे पर बैठकर कांवड़ की यात्रा करानी थी श्रवण कुमार के रूप में बनकर, उस 20 वर्षों को उसने जेल में खपा दिया है। मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये विष्णु तिवारी आने वाली जिंदगी किसके भरोसे जिएगा? उसके माता पिता जिसको न्याय की उम्मीद इस प्रशासन से थी, इस शासन से थी, इस न्यायपालिका से थी, उसकी जिंदगी आखिर कहां गई? उनके माता पिता को न्याय नहीं मिला, वो तो आज इस दुनिया में नहीं रहे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस न्याय को हम और आप देख रहे हैं, और ये समाज, ये केवल ब्राह्मण समाज की जिम्मेदारी नहीं है कि आप विष्णु तिवारी के साथ आकर के खड़े हो, ये संपूर्ण देश की जिम्मेदारी है कि जब हिंदुस्तान का कोई बेटा पीड़ित होता है तो ये संपूर्ण देश की जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके समक्ष उसके साथ आकर के खड़े हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश के सरकार, देश के मंत्री, देश के विधायक किसी जाता, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब कोई व्यक्ति दंश झेलता है, वही हरिजन एक्ट और रेप जैसे कांड से पीड़ित होता है, तब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके साथ आकर के खड़े हों। आपको इस बात से मतलब नहीं कि आप किस जाति और किस धर्म से हैं। मैं आपसे विशेष अनुरोध कर रहा हूं, जितने भी लोग जुड़े हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि समाज में इस हकीकत को हम पहुंचा सकें। फोन काट दीजिए।